हे एवरीवन संग माने वेलकम टू ब्लॉग विथ प्रकाश। सो आज आम भाई होम साइंस पेपर टू जोड़ा आमर ओएस मेन्स रो ऑप्शनल पेपर टू आज एग्जाम दे के आसी तो चलो आम तुम्हें एग्जाम रिव्यू जानवा कौ प्रकार क्वेश्चन आसाला कौ भाया आज तक एग्जाम हो तो चलो भाई पचार आज एग्जाम टोटाल रिव्यू शुणा। तो भाई आज एग्जाम कौन कमी एग्जाम आज ठीक ठाक था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपड़ जब देखिथे 2019 मसीहा क्वेश्चन तो से 2019 क्वेश्चन रु बहुत सारा कॉपी पेस्ट टाइप रो पड़ी तो जदि आप 2019 वाला क्वेश्चन प्रिपेयर होते देन से आपंकर बहुत सारा क्वेश्चन आपर से तो मुझे लिखी थी छा क्वेश्चन लिखी छटा जाक रु छा जाक पड़ी यहाँ हूँ खुशी कथा खुशी कथ कि नुह फॉर एग्जांपल एक नंबर सेक्शन ए हाँ आउ गोटे जिनस रहा जे मु सेक्शन ए रु करा क्वेश्चन सेक्शन बी रु कर दुटा क्वेश्चन तो मुझे जी जो हिसाब से पढ़ी थी से पढ़ी आई खातार लिखी थी छटा क्वेश्चन से छटा जाक पढ़ी टोटाल छटा लिखी से टोटाल छटी पढ़ी बाकी तो पढ़ी थी है किंतु भलसे बनईकी लिखी थी एमती छटा क्वेश्चन तो फास्ट मुझे पढ़ी थी आमर रिलेशन ऑफ एनर्जी टू स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल एंड इंडिकेट वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स तो सेटा पड़ी जाइए आमर के एक नंबर पड़ी जाइए एक नंबर पड़ी जाइए देन पड़ी चार नंबर ए रे एक नंबर ए रे चार नंबर ए रे से हो दुटार पड़ी देन दुई नंबर मुझे लिखी थी क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल्स फाइबर्स अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस एंड केमिकल कंपोजिशन सेटा पड़ी दुई नंबर ए रे हला देन तीन नंबर क्वेश्चन मुझे लिखी थी डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग एंड फॉलोड टू बी फॉलोड इन फर्निशिंग द हाउस एटा पड़ी देन तापरे डिफाइन फैमिली इनकम एंड एक्सप्लेन इंपोर्टेंस ऑफ बजेटिंग एटा पड़ी कत नंबर एक नंबर सी रे पर डिटो क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली इनकम एंड बजेटिंग ऑल्सो डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली एंड एनुअल बजेटिंग कौन कौन केमती केमती फायदा मिलो सीटा लिखा हो देन तापर गोटे क्वेश्चन लिखी थी डिस्क्राइब क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप तो सी पड़ी कत नंबर दुई नंबर बी रे पड़ी गला देन तापर लिखी गुड प्रोग्राम प्लानिंग एटा पड़ी कत नंबर सेक्शन बी रो सेक्शन बी रो पांच नंबर बीटा हला पांच नंबर बीटा सी पड़ी तापर आ गोटे क्वेश्चन लिखी थी डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रोग्राम प्लानिंग एटा भी पांच नंबर बी क्वेश्चन आड़े अच्छे एथरू टिके करके लिखाई एती गला एती देन तापर रहला आप्टी प्लस नोट्रु सबू पढ़ी मैंने सिलेबस हिसाब से अच्छी ना भितर देन से पढ़ी जा जहाँ जहाँ पढ़ी से हिं कर देन रहला हाँ आठ नंबर पंचायतीराजटा पढ़ाई थी पंचायतीराज उपर लिखिली आराम से आप जब कहीं न जापर भी आराम से जीएस क्वेश्चन पूरे की एंट्री करेंगे जीएस आराम से जे जीएस पढ़ी थो पंचायतीराज सिस्टम सेवेन्टी थर्ड अमेंडमेंट सब लिखाही भितर देन डिफरेंट एक्सटेंशन एजेंसीज एंड एनजीओ काली पढ़ी थी एनजीओ विषय भलसे एनजीओ विषय सेटा भी लिखी देन आ किसी पचारे सारे तो कह आज एग्जाम भाई लक फेवर कर हाँ लक फेवर कला आ कि ना मानते भाई आप तथापि जी पढ़ी जाइए कतेटा क्वेश्चन आज आसाला डिटो टू थुआ है जहाँ आप प्रिपेयर करते क्वेश्चन एग्जाम डिटो आसाला पाखापाखि मुझे देखुची गोटे दुईटा दुईटा तीन टा चार्टा पाखापाखि मैं जोटा टे भलसे प्रिपेयर होती चारिटा पाखापाखि कर देन आउ जो बाकी दुटा सेटा प्रिपेयर होती कि खातार लिखे अच्छा पेपर होम साइंस पेपर वन टा मोर टिके खराब तो नुह लिखी से कते
35 ଫାଳେ ପାଖାପାଖି ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ନା ମାନେ ସେ ଆନ୍ସରକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଆନ୍ସର କହିପାରିବେନି। ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ବି ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଲାଗିବନି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ପୁଣି ସେଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ଡର ବି ଥିଲା ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ, ସବୁ କଥା କହି ହୁଏନି ନା, ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡର ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ସାରି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ 60 ମାର୍କ ସାରିବା ପାଇଁ ନା ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା 60 ମାର୍କ ସାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଗଲା 50 ମିନିଟ୍, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଦରକାର 36 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସାରିବା ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରିଲି 50 ମିନିଟ୍ରେ। କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଭଲସେ ଯେତେ ଭଲ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଡ଼େ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 15 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଳେଇଲା 15-20 ମିନିଟ୍, ତ ତାକୁ ପୁଣି ଭରପାଇ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିରୁ ପୁଣି କାର୍ଡ଼ ଛାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି କିଛି ମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମୋର ପେପର୍ ୱାନ୍ଟାରେ ଏମିତି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମନେ ପଡ଼ୁନଥାଏ ଯେ ଲେଖିବି କ'ଣ, କାହାର କାହାର କେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଓରୀ ବଗେରା ଦେଇଛନ୍ତି କାହାର କାହାର ଥିଓରୀ ଲେଖିବି, ପୁରା ଜେନେରାଲ ଟାଇପ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଭାଇମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି 45 ଫାଳେ 46 ଫାଳେ, ଭାଇ 50 ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ 34-35 ଫାଳରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପେପର୍ ଟୁ ଭଲ ଆସିଛି। ଭଲ ଆସିଛି ମାନେ କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆରାଉଣ୍ଡ 60%, ହଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲସେ କରିବେ, ଭଲସେ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିଦେଲେ ଆଉ ନିଜ ହିସାବରେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଜାଣିଲେ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବ ଲେଖିବ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଜଣେ କହିବେ ହଁ ସେଇଟା ମୋର ହି ଭୁଲ, ଯେ ମୋ ଆହୁରି ଯଦି ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସ୍ପିଡ଼୍ ନିହାତି ଦରକାର, ମୁଁ ଆଜି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତିକି ସ୍ପିଡ଼୍ ମୁଁ କେବେ ବି ଲେଖିନି ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଲେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେଇ 36-37 ପେଜ୍ରେ ସରିଗଲା। ନାଇଁ ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମୂଳରୁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣ ଡେ ଆଜି ଲକି ଡେ ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ରେ ଯେମିତି ଡିଟୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ ସେମିତି ଧୁଆ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ 2019 ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥିଲି। ତ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ମନରେ କିନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍, ହଁ ହଁ କୁହ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ତ ଆସୁଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇନା ମାନେ ରାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ଼୍ ନିହାତି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କେମିତି ତାଗରେ କରିବ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କି ଖାତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ୟା ଭିତରୁ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସୁଥିବ, କ'ଣ କେମିତି କରାଯିବ? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହଉ, ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ବି ରହିବା ଦରକାର, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା କେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନର ଦେଖୁଛି, କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖାତା ଦେଖିକି ଘରକୁ ଯିବେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଲେ ସେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିଛି ଦେଖିବେ, ଯଦି ମାନେ ତୁମର ଆନ୍ସର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ପିଲାଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଲେଖିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେନ୍ 3-4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା କମ୍ ପେଜେସ୍ ଲେଖିକି ଯଦି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସରରେ ଦେନ୍ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବେ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯିଏ ଟପର୍ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ 60 ପେଜ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, 60 ପେଜ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, 60 ପେଜ୍ ମାନେ ଭାବିଦେଲେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଘାବରେ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା କହିଲେ କି ନା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ରହିବାର ଅଛି, ବାକି 2-3 ତୁମେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଢି ଆରାମସେ କରିକି ଯାଇଥିବେ ସେଇଠୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ନିହାତି କହିଦେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ନିହାତି କେବଳ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି ସେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେକ୍ସନ୍ ଏ କିମ୍ବା ସେକ୍ସନ୍ ବି ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 5 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 60-35 ହେଲା, ତ 4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ମାନେ କେତେ 240 ମାର୍କ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମର ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ସିଲାବସ୍ଟା ଯଦି ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ନା,
तो गोटे क्वेश्चन आराम से हो प्रिपेरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आउ गोटे सेक्शन टा पूरा भलसे आउ टाइम मैनेजमेंट निहाती दरकार टाइम मैनेजमेंट हाँ जो लेखा जदि प्रैक्टिस न करथिबे मु कहजु माजी एत्ते लेखि लेखि माने हाथ पिढा हेला पछे नहुना एबे मोर दाग भी अछि हला पूरा एत्ते लेखिला परे भी मोर से 36 पेज 37 पेज जाय गला लास्ट सेकंड जाय मु लेखि छि लास्ट सेकंड रे मोर सैला द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वालिटेटिव आंसर एंड राइटिंग प्रैक्टिस विथ टाइम मैनेजमेंट दिस थिंग्स आर मोस्ट रिक्वायर्ड अच्छा तो आज एग्जाम रो जो बले क्वेश्चन आसीले आपन देखि कोन लाजे ओपीसी किसी चेंज करे चाहौ छै ना जेमती पुर्णा पैटर्न थला सेही पैटर्न क्वेश्चन ए जो क्वेश्चन ए आंसर हमें एबे करू छै सेटा का हिसाब रे हमरो पुर्णा सिलेबस अनुसार पुर्णा सिलेबस तो न पुर्णा पैटर्न हिसाब रे हमें एबे करू छै एबे जो जहां नुवा आसी आउ जाउ छै सेथरे चेंजेस तो हबो आपन को टिके यूपीएससी भलिया लिखिया पड़ियो भाई किंतु हाँ ऑप्शनल टा मे भी सेम टाइप रो रही पारे ऑप्शनल टा कारण जीएस वगैरह तो सीना छोटो कर देबे ऑप्शनल जति मते लागो जे सेमती हमर यदि 20 मारिका 30 मारिका ए टाइप रो 40 मारिका एमती ही पकेबे तो अच्छा भाई यदि हमें समराइज करियो आपन को जेते रिव्यू को ताले आपन जो एबे एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर करछन तो माने ऑप्शनल टारगेट ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमें प्रथम जिन जो मैंने स्टार्टिंग ऑप्शनल स्टार्ट कर फास्ट गोटे रीडिंग मार दियो फास्ट टू लास्ट रीडिंग मार दियो देन तापर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो वर्ष फॉर एग्जांपल यही वर्ष आप दौरान तो यही वर्ष क्वेश्चन छाड़देवे पूर्व वर्ष जहाँ पड़ा कारण मे भी से वर्ष क्वेश्चन से रिपीट न हो पारे किंतु ए वर्ष क्वेश्चन छाड़देला पर पूर्व वर्ष जो क्वेश्चन फर एक्जाम 2021 तो 2020 क्वेश्चन टा मुझे छाड़देली जो ताकू छाड़देली 2019 देखी 2018 देखी 2017 देखी तो एमती गोटे वर्ष पूर्व स्टार्टिंग पूर्व दुई रू तीन वर्ष जी करदे जदि आप करदे तो मैंने आपको सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए तो बाहर क्वेश्चन ही ना बेसिकली होम साइंस रे अच्छा भाई आपण ऑप्शनल पे नोट्स बनैथिले ना कोन किसी स्पेसिफिक नोट्स ऑलरेडी मिली जाउची आपण धर बीके पब्लिकेशन हे गला नहीं नहीं अच्छा म एक्चुअली कहि आपण निजे हैंड रिटन किसी नोट्स बनैथिले हैंड रिटन ए जा क्वेश्चन आंसर माने ओनली प्रीवियस क्वेश्चन आंसर आपण लिखिथिले सेही ही नोट्स आउ किसी एंती नुवा मनुर आपण लिखि पारे जोड जहा ऐड करि पारे फॉर एग्जांपल एसएजी पडिची तो एसएजी भीतर आपण मिशन शक्ति देन जदि किसी बेस्ट प्रैक्टिसेस अछि आपण जीएस वगैरह रे पढ़ी चंदी तो से जिस तुम आप ऐड कर देबे अच्छा माने आंसर गोटे ऑप्शनल लो गोटे आंसर को टारगेट करिया कहले गोटे माने एस्पिरेंट को हिसाब रे तको लिखले आपण ऑप्शन जे फॉलो मार्क फेचिंग करो डायग्राम ऐड कर की कोन किछ नुवा टेक्निक हां नहीं सब जगह रे डायग्राम दरकार नहीं जदि कोनसी जगह रे डायग्राम आपण बुक रे भी देखु चंदी किछ अछि देन आपण ताको डायग्राम बने के लिखि परबे फॉर एग्जांपल धर होम साइंस रे हमती बहुत कम अछि केवल गोटे दुईटी जगह रे आपनकर डायग्राम दरकार हे पारे बेसिकली पेपर टू रे बहुत कम अछि विशेष नै किंतु पेपर 1 रे डायग्राम आपन बनै परिबे पेपर 1 रे आपन जदि प्रोटीन से जो चैप्टर अछि ना सीरियल्स प्रोटीन कोथरे को खाद्य रु कोन केते प्रोटीन मिलु छी केते विटामिन मिलु छी सेटा आपन बॉक्स टाइप रो करके हमती लिखि परिबे किंतु पेपर 2 रे बहुत कम सिक्वेन्स गोटे गोटे जगह आप आज यदि पढ़ाला फाइबर तो ये आप बक्स कर फाइबर एनिमल फाइबर प्लांट फाइबर है मैन मेड नेचुरल तो सेमती करके आप बनई पारे अच्छा तो भाई ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद आज रिव्यू भाई तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दे बहुत समय से आज जो पेपर 2 एग्जाम रिव्यू दे तो बहुत कुछ जाना मिला बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स भी दे जो मैंने कंटिन्यू कर नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर एग्जाम देखे बहुत किसी शिक्षा को मिली थोड़ी तो दैट्स इट गाइस आज वीडियो ये पुणी देखा भाई नेक्स्ट जो ऑप्शनल पेपर तार आम भी रिव्यू करके चैनल छाड़ू जब आप नुआ अच्छा तो चैनल को निहत सब्सक्राइब करते एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन सो थैंक यू भाई फिर भी लगे टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।